स्वागत है दोस्तों। तो इस वक्त एक बड़ी घटना सामने आई है। प्रेम कहानी का खौफनाक अंत। पिता ने रेप के बाद बेटी की हत्या की थी, अब पति ने किया सुसाइड। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया है। भोपाल के रातीबड़ इलाके में जिस महिला की उसके पिता ने रेप के बाद हत्या कर दी थी, अब उसके पति ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद अब पूरा परिवार खत्म होने के बाद एक प्रेम कहानी का भी अंत हो गया। सीहोर एसएसपी समीर यादव ने बताया कि थाना इच्छावर को सूचना मिली थी कि कालापीपल जागीर गांव में 21 साल के मुकेश विश्वकर्मा ने घर में फांसी लगा ली है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक ने करीब 1.5 साल पहले बिल्किसगंज गांव में रहने वाली युवती से लव मैरिज की थी। काम के सिलसिले में मुकेश रायपुर चला गया था। हाल ही में मुकेश की पत्नी का शव भोपाल के रातीबड़ इलाके के समसगढ़ के जंगल में मिला था। इस मामले में मृतक मुकेश के ससुर पर ही बेटी की हत्या का आरोप है। परिवार से पूछताछ में सामने आया है कि मुकेश अपनी पत्नी की हत्या और बेटे की मौत के बाद से ही सदमे में था और बेहद उदास रहता था। हाल ही में रातीबड़ पुलिस को समसगढ़ के जंगलों में एक महिला और बच्चे का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। इस मामले की तफ्तीश में महिला की हत्या उसके पिता द्वारा करना पाया गया था। पिता ने पुलिस को दिए बयान में पिता ने बेटी के लव मैरिज से नाराज होने पर उसकी हत्या करने की बात कबूल की है।